जैसे सीए के दौर के अंदर लोकल्स के नाम पर ये कह के कि कोई कपिल मिश्रा है, उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, तो कपिल मिश्रा सड़क पे उतरते हैं, कहते हैं कि मैं अभी खाली कराऊंगा। इसी प्रकार में सिंगू बॉर्डर पे भी भाजपा के नेता उतर के आए और कहा कि अभी हम लोग खाली कराएंगे, और उसके अंदर उस वारदात के अंदर मासूम किसानों को, यंग सिख बॉयज को उठाकर पुलिस ने जेलों के अंदर बंद कर दिया। पूरे जगह पर झूठा फैलाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के लोकल जो हैं वो किसानों से परेशान है, लेकिन ये मार्च आज दिल्ली के लोग कर रहे हैं। दिल्ली के लोग ये कहने के लिए आए हैं कि हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। आपने वहाँ पर एक देश के अंदर एक और बॉर्डर बना दिया है, किसानों को दिल्ली से बाहर कर दिया है। आज यहाँ पर दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता प्रदर्शन नहीं कर पा रही, तो क्या भारत में अभी लोकतंत्र जीवित है? ये सवाल है। हमें नहीं लगता लोकतंत्र जीवित है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो किसानों के साथ वहाँ सरकार कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं, और दिल्ली के नागरिक होने के नाते हम उन्हें कहना चाहते हैं कि यू आर मोस्ट वेलकम, हम आपका स्वागत करते हैं। और हम भी ये तीनों कृषि कानून के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि ये कानून अगर लागू होता है तो इसमें हम लोगों का भी नुकसान है, ना सिर्फ किसानों का बल्कि जो लोग खाना कंज्यूम भी करता है उसका भी नुकसान है। तो कोई जीत नहीं रहा इस लड़ाई में, एक्सेप्ट कि सरकार फिर से रिलीजियस माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए, सिख कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए उनकी विच हंटिंग को शुरू कर रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है, बिल्कुल जैसे सीए के दौर के अंदर लोकल्स के नाम पर ये कह के कि कोई कपिल मिश्रा है, उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, तो कपिल मिश्रा सड़क पे उतरते हैं, कहते हैं कि मैं अभी खाली कराऊंगा। इसी प्रकार में सिंगू बॉर्डर पे भी भाजपा के नेता उतर के आए और कहा कि अभी हम लोग खाली कराएंगे, और उसके अंदर उस वारदात के अंदर मासूम किसानों को, यंग सिख बॉयज को उठाकर पुलिस ने जेलों के अंदर बंद कर दिया है। वो नारे भी सुनाई दिए, जाओ हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए ये सेम स्क्रिप्ट है, लेकिन अभी हम लोग समझ चुके हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, और दिल्ली के अंदर कोई और दंगा भाजपा के द्वारा हम नहीं होने देंगे। कोशिश तो की गई ना, कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता एकजुट हो रही है। जब ये पंजाब और हरियाणा को सिंगल आउट कर रहे थे तो वेस्टर्न यूपी खड़ा हुआ, मुजफ्फरनगर के किसान खड़े हुए, बोले कि हम आपके साथ हैं। अब ये बर्दाश्त